अभी तो ठीक है ना उसका मूड? इसे सील करते हैं, ये सीलिंग मशीन 1 है, इसमें हम इसे नैपकिन सीलिंग मशीन 2 पे देते हैं। लेकिन लास्ट स्टेप इन द होल प्रोसीजर, सीलिंग मशीन 1 के बाद उसे अच्छे से सील करने के बाद हम इसे एंड टू एंड सील करेंगे, इसे कहते हैं सीलिंग मशीन 2। विल डू लाइक दिस। One end and then second end. We do this because हम चाहते हैं कि कॉटन अपनी कंसिस्टेंसी में लग रहे, अरेंज रहे, ताकि आगे पीछे फैले। 2015-16 में वेमेन एम्पावरमेंट के अंदर एक इनोवेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जो कि कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमारी प्रिंसिपल मैम ने इसे फर्दर कंटिन्यू किया विद द टॉपिक रेड डॉट। एंड यहाँ पे हम पैड्स नैपकिन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स हैं, दिस इज़ द कवरिंग शीट जो हम यूज़ करते हैं नैपकिन को कवर करने के लिए। उसके बाद ये शीट है जिसे हम वुड पल्प में कन्वर्ट करते हैं। इसे हम हाथों से छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से तोड़ते हैं और फिर उसे क्रशिंग मशीन या फिर पल्वराइजर में डालते हैं जो कि फिर फर्दर वुड पल्प में कन्वर्ट होता है। उसके बाद इट इज़ रियली हाइजीनिक, वी यूज़ द सैनिटाइजर हियर and we take care of the cleanliness so that it can be best utilized by the girls. Also it is very low cost effective machine और यहाँ पे labor cost नहीं है, ये हम खुद अपने हाथों से करते हैं। जो machines हैं वो भी बहुत ही simple है, बहुत ही high technology इसमें use नहीं है, काफ़ी cost effective है। and now we'll introduce you step by step कि कैसे कैसे हम इसे manufacture करते हैं। Padman का advertisement तो अभी कुछ समय से आने लगा या पैडमैन हाईलाइट हुआ है, लेकिन लक्ष्मीबाई कॉलेज ने तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 2015 से की थी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमें इनोवेशन प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था। इनोवेशन प्रोजेक्ट का समय पूरा हुआ, उसकी रिपोर्ट सबमिट हो गई, उसके बाद हमने रेड डॉट कैंपेन के नाम से ये कार्यक्रम शुरू किया और इस कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जिनके अंदर जज्बा है इस टैबू को तोड़ने का। और सभी स्पेशली अंडर प्रिविलेज्ड पीपल तक इसको लो कॉस्ट में पहुंचाने का, क्योंकि ये मैटर है हाइजीन का।